अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बिल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। व्यूअर, आज के इस लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे हम एमएस एक्सेल की किसी भी एप्लीकेशन से, किसी भी एमएस एक्सेल की फाइल से अगर हम कोई भी चार्ट को अपने पावर पॉइंट की स्लाइड के ऊपर इंसर्ट करना चाहें तो वो कैसे इंसर्ट करेंगे। व्यूअर्स, ये एक ब्लैंक स्लाइड है और मैं यहाँ पर एक पावर एमएस एक्सेल से एक चार्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो देखिएगा व्यूअर्स, मैं किस तरह से उसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। इसमें दो तीन ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त हैं। देखिए व्यूअर्स, मैं चार्ट इन एक्सेल की ये फाइल मैंने खोली और इसमें ये मौजूद मेरे पास एक चार्ट है। मैं इस चार्ट के ऊपर व्यूअर्स क्लिक करके इसको सेलेक्ट करने के बाद व्यूअर्स यहाँ से सिंपली आपने इस चार्ट को के ऊपर कॉर्नर में जैसे ये फोर एरोज की कहीं भी बने चार्ट के ऊपर, तो आप ये चार्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप अपने माउस की लेफ़्ट की को दबा दें और उसके बाद फिर अपने माउस की जो है व्यूअर्स आप राइट की को दबाएंगे तो ये पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आप अपने चार्ट को यहाँ से व्यूअर्स कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप पावर पॉइंट के अंदर उस स्लाइड के ऊपर आ जाएं जहाँ पे आपने इस चार्ट को इंसर्ट करना है और अपने माउस का व्यूअर्स जैसे ही आप राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो आपके पास पेस्ट की ऑप्शन मौजूद है व्यूअर्स। ये देखिए व्यूअर्स, जिसमें पहली ऑप्शन है यूज़ डेस्टिनेशन थीम एंड एम्बेड वर्कबुक। इस ऑप्शन में व्यूअर्स आपकी जो पावर पॉइंट का स्लाइड का थीम है, चार्ट का थीम जो है, जो आपने एक्सेल से कॉपी किया वो वाला थीम अप्लाई नहीं होगा। आपके जो पावर पॉइंट का थीम है व्यूअर्स, वो थीम अप्लाई जाएगा। ये देखें, मैं अभी फ़िलहाल व्यूअर्स देखिएगा कौन सी कॉपी, यूज़ डेस्टिनेशन थीम एंड एम्बेडेड, ये पावर पॉइंट का जो थीम है वो इंसर्ट हो जाएगा और मेरी जो एक्सेल की फाइल है उसके साथ एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। ये मैंने पहली ऑप्शन को यूज़ करते हुए व्यूअर्स ये एक चार्ट इंसर्ट कर दिया व्यूअर्स। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ। अब मैं दोबारा से देखिए, मैं आपको सिर्फ समझाने की खातिर दूसरी ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो व्यूअर्स ये देखिएगा व्यूअर्स, ये दूसरी ऑप्शन है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एंड एम्बेडेड वर्कबुक। जहाँ से मैं इसको कॉपी करके लाया हूँ उस सोर्स की जो फॉर्मेटिंग है वही रहने दी जाए और वर्कबुक के साथ लिंक कर दी जाए व्यूअर्स। ये व्यूअर्स इसकी सेकंड ऑप्शन है व्यूअर्स। देखिएगा, ये देखिएगा, मैं इसको ज़रा अप्लाई करता हूँ तो ये देखिएगा जो मेरी, ये देखिएगा जो मेरी एक्सेल एक्सेल के अंदर जो थीम है व्यूअर्स वही, इसको इस साइड से ये देखिएगा व्यूअर्स, ये देखिएगा मेरे पास जो एक्सेल की फाइल के अंदर थीम है वही थीम यहाँ पे पेस्ट हुआ है। मेरे जो पावर पॉइंट का थीम है वो पेस्ट नहीं हुआ। ये देखिएगा व्यूअर्स, ये एक ऑप्शन है। इसी तरह व्यूअर्स आपके पास एक थर्ड ऑप्शन है जिसमें एज ए पिक्चर के तौर पे ये चार्ट आपकी स्लाइड्स के अंदर पेस्ट होगा एज ए पिक्चर के तौर पे। अगर मैं इस पिक्चर के तौर पे इसको पेस्ट करता हूँ तो ये देखिएगा ये एक पिक्चर के तौर पे अप्लाई हुआ है। इस चार्ट के अंदर देखिएगा मैं कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के तौर पे अप्लाई हुआ है। इन दोनों केसेस में व्यूअर्स ये देखिएगा, मैं यहाँ से डिफरेंट चेंजिंग अप्लाई कर सकता हूँ, मैं यहाँ से डिफरेंट चेंजिंग अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन ये एक पिक्चर के तौर पे मैंने इंसर्ट किया है। तो व्यूअर्स इस सूरत में व्यूअर्स आप इसको जस्ट सीन कर सकते हैं, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ एमएस एक्सेल की जो फाइल है वो अटैच नहीं हुई। तो प्रोफेशनल मेरा भी एडवाइस यही है कि आप एमएस एक्सेल की फ़ाइल को अटैच न रखें। आप एमएस एक्सेल में अगर कोई
चार्ट मौजूद है, तो आप वहीं पे एक्सेल में उसकी फॉर्मेटिंग स्टाइल को सेट करके यहाँ पे जो चार्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको एज ए पिक्चर के तौर पे लेके आएँ, ताकि आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड जो है वो ज़्यादा हैवी और लेंथी ना हो और आपका जो डाटा है मैं एक्सेल का वो भी करप्ट ना हो, क्योंकि एक्सेल की फाइल हैवी हो सकती है और आपकी पावर पॉइंट की जो फाइल है वो भी मज़ीद हैवी हो जाएगी, तो इससे प्रॉब्लम हो सकता है। ये तो व्यूअर्स एक्सेल से चार्ट को कॉपी करके अपनी स्लाइड के अंदर पेस्ट करना। आई होप आपको आपकी इन तीनों पेस्टिंग की ऑप्शन के बारे में अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ गई होगी। नेक्स्ट टाइम आप जब भी एक्सेल की फाइल से चार्ट को कॉपी करके लाएं, अगर वो बिल्कुल फाइनल है, आपने उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी, तो आप उसको जस्ट पिक्चर के तौर पे लेके आएँ, अदरवाइज़ आप वहीं पे मॉडिफिकेशन करके उसको यहाँ पे पिक्चर के तौर पे लेके आएँ। ये तो वेवर्स तीन डिफरेंट ऑप्शन पेस्टिंग की, आप एमएस एक्सेल की फाइल में से चार्ट को कैसे सेलेक्ट करते हुए पेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द बिल्ट ई लर्निंग वीडियोज़।